पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर सुजुका और ओलिविया सभी बातें कर ही रहे हैं कि तभी कुछ सिपाही आ जाते हैं। अब आगे ये सिपाही हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्यों? ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। सिपाही तब तक उनके पास ही आ जाते हैं और ओलिविया आगे बढ़कर उनसे उन्हीं की भाषा में कुछ बात करती है। क्या हुआ ओलिविया, ये सिपाही क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम सभी को बादशाह साहू ने बुलाया है और हमें अब उनके पास जाना होगा। ओलिविया, वीर और सुजुका तीनों सिपाहियों के साथ बादशाह साहू के पास चले जाते हैं दरबार में। आखिर तुम सभी पड़ावों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि तुम ओलिविया को खुश रखोगे। ओलिविया और वीर मुस्कुराते हैं। क्या अब मैं अपने घर वासेपुर जा सकता हूँ? बिल्कुल, तुम अब ओलिविया के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं ये जादुई चश्मा तुम्हें भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। इस चश्मे के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे काम करता है और अपना कैसे जादू दिखाता है। इस चश्मे की सहायता से तुम कोई भी युद्ध बिना हथियार के लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो और कुछ भी देख सकते हो इससे। तभी तबाकी तश्तरी लेकर आता है। शाहू ने वीर ओलिविया और सुजुका को सुंदर सुंदर उपहार दिए और तश्तरी में बिठाकर विदा किया। तश्तरी हवा में उड़ने लगी, लेकिन रास्ते में रोशनी का एक बड़ा सा गोला तश्तरी की तरफ बढ़ने लगा। वीर, ये बड़ा सा गोला हमारी ओर ही आ रहा है, मुझे तो ये देखकर बहुत डर लग रहा है। ये क्या है? तबाकी, ये क्या है? और हमारी तश्तरी पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? मैं पक्का तो नहीं कह सकता, परंतु हो सकता है कि इसमें हमारे साथी हो। तुम्हारे बाकी साथी? मतलब अजब गजब दुनिया के अजीब प्राणी। लेकिन वो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? वीर, तुम्हारे हाथ में जो जादुई चश्मा है, इस दुनिया के लोग उसके पीछे पड़े हैं। वे चश्मा हर कीमत पे लेना चाहते हैं। क्या तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक चश्मे के लिए घूम रही है? वीर, तुमको लगता है कि जादू चश्मा कुछ छोटे छोटे जादू दिखाता होगा? हाँ, और क्या? नहीं वीर, अजब गजब दुनिया के खजाने में सबसे ज्यादा कीमती और जरूरी ये चश्मा ही है। यहाँ इस चश्मे के लिए ही युद्ध होता है। ये आग का गोला हमारे पास ही आ रहा है, अब इसे कैसे रोका जा सकता है? इसमें सारे अजीब प्राणी हैं और उनसे अब युद्ध करना ही होगा। वीर अपनी जादुई तलवार निकालता है और गोले पर फेंकता है, लेकिन वह तलवार गोले से टकराकर वापस आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तश्तरी गोले में प्रवेश कर जाती है। डर के कारण सुजुका और ओलिविया की आंखें बंद हो जाती हैं। सावधान हो जाओ वीर। ये हम कहाँ आ गए? ये तो एक अलग ही दुनिया है। इन लोगों ने हमें कैद में ले लिया है। हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए इनसे युद्ध करना ही होगा। तभी एक अजीब प्राणी अपने लोहे के लंबे दांतों को निकालकर वीर की तरफ आने लगा। तबाकी ने उसे आगे बढ़कर रोका और कुछ बातें की। क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जादुई चश्मा हमें दे दो, वरना कभी भी धरती पर वापस नहीं जा सकोगे। ठीक है, तो दे देते हैं चश्मा। नहीं वीर, ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना। तभी किसी ने पीछे से वीर पर वार किया। वीर नीचे गिर गया। ओलिविया ने जादू से एक तलवार मंगाई और उस पे वापस से हमला किया। उठो वीर। वीर खड़ा होता है और वह भी एक जादुई तलवार मंगाता है। फिर ओलिविया और वीर दोनों अजीब प्राणियों से लड़ाई करते हैं। लोहे की किसी मशीन से दिखने वाले अजीब प्राणी वीर और सुजुका पर भारी पड़ते हैं। वीर, अपना चश्मा निकालो और पहन लो। वीर चश्मा निकालकर पहनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग वीर को पकड़ लेते हैं और चश्मा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीर चश्मा पहन लेता है। चश्मा पहनने के बाद वीर को एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे सारे अजीब प्राणी दूर जाकर गिरने लगते हैं। आग का वो गोला खुद ही नष्ट हो जाता है। वीर,
अब जल्दी से चश्मा उतार दो। वाह तवाकी, जादू है इसमें। मैं चश्मे की मदद से वासीपुर को देख पा रहा हूँ। वीर, अभी तुमको चश्मा उतार कर रख लेना चाहिए। कुछ ही समय बाद तश्तरी जमीन पर पहुँच जाती है और सभी वासीपुर महल के बाहर पहुँच जाते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तबाकी तश्तरी लेकर उड़ जाता है। चलो अब जल्दी से मम्मी पापा के पास चलते हैं। ठहरो वीर। क्या हुआ सुजुका? मैं अंदर नहीं जाऊंगी वीर। अब तो सब ठीक हो गया, हमें मंजिल मिल ही गई। अब तुम अंदर क्यों नहीं आओगी? मंजिल सिर्फ तुम्हें मिली है, मुझे नहीं। कैसी बातें कर रही हो सुजुका? तुम बिल्कुल भूल गए हो कि मुझे भी अपने मम्मी पापा के पास जाना था। वीर को सब कुछ याद आ गया। ओह, मैं सचमुच ही भूल गया था। तुम दोनों क्या राज छुपा रहे हो, मुझे भी बताओ। ओलिविया, कोई राज की बात नहीं है, बस सुजुका के मम्मी पापा और अन्य गांव वाले एक जादुई नगरी में बंद हैं। वीर, तुम ओलिविया को लेकर महल में जाओ, इस बार मैं ही अकेले अपनी मंजिल के लिए निकलती हूँ। सुजुका जाने लगती है। रुको सुजुका, तुम यहाँ तक हमारे साथ आई हो, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना वीर का साथ दिया है, तो हम कैसे तुम्हें अकेले भेज सकते हैं? ओलिविया सही कह रही है, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। सुजुका मुस्कुराती है और वीर व ओलिविया अपने घर ना जाकर वापस जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। वीर, तुमको रास्ता पता भी है? हाँ, हमें अभी बहुत दूर तक चलना होगा, उसके बाद आएगी शायद जादुई नगरी। कितने वर्ष बीत चुके हैं वीर, पता नहीं रास्ता मिलेगा भी या नहीं। हौसला रखो सुजुका, हम जल्दी ही वो रास्ता खोज लेंगे। तीनों जंगल में चलने लगते हैं और उन्हें चलते हुए कई दिन हो जाते हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं पाता और थक हार कर सो जाते हैं। रात को सोते हुए सुजुका को एक स्वप्न आता है और वह चीख पड़ती है। आवाज सुनकर वीर और ओलिविया भी उठ जाते हैं। क्या हुआ? शेर, शेर। मुझे तो यहाँ कहीं भी शेर नहीं दिख रहा है, मुझे स्वप्न आया। सुजुका की बात को सुनकर वीर हंसने लगता है और सुजुका रूठ जाती है। ओहो सुजुका, तुम फिर से गुस्सा हो गई हो। अच्छा अब ये बताओ कि स्वप्न में क्या देखा? कुछ नहीं। कोई मजाक नहीं बनाएगा सुजुका, तुम बताओ कि तुमने स्वप्न में क्या देखा? एक शेर आया और मुझे अपने मुंह में दबा कर एक गुफा में ले गया। अच्छा रुको, मैं अपने जादुई शीशे का इस्तेमाल करता हूँ। वीर ने अपना शीशा निकाला और भविष्य देखने लगा। उसने देखा कि एक शेर सच में ही सुजुका को लेकर जा रहा है। वीर, अब चश्मा लगाकर देखो। वीर चश्मा निकालता है, लेकिन तभी अदृश्य शक्ति की आवाज आती है। बहुत दिनों के बाद लौटे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर अभी एक शेर आएगा और वो तुमको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, तुम चुपचाप उसके पीछे चले जाना। तभी एक शेर की दहाड़ आने लगती है। वीर, सुजुका और ओलिविया तीनों खड़े हो जाते हैं। शेर तीनों के पास आता है और फिर वापस घूमकर जाने लगता है। तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं। शेर उन्हें एक गुफा में ले गया और बहुत दूर तक चलता ही जा रहा है। बहुत दूर चलने पर वह गुफा के बाहर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जेल दिखती है जिसमे बहुत सारे कैदी बंद है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।